आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। पूरे देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के साथ जनपद में 111 वर्ष की महिला सकीना ने लगवाया कोविड वैक्सीन का पहला डोज। लोगों को वैक्सीनेशन का दिया संदेश, कहा जो नहीं लगवाए हैं टीका वे अवश्य करा ले वैक्सीनेशन, रहें सुरक्षित। देश ने 100 करोड़ के कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य किया पूरा, सदर सांसद व सीएमओ ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी के सफल प्रयास से देश ने 100 करोड़ के लक्ष्य को किया है पूरा, स्वास्थ्य विभाग के टीम को दी बधाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गुरुवार को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, अतिवृष्टि के दौरान फसलों के हुए नुकसान के आकलन सहित अन्य बिंदुओं की क्रमवार समीक्षा, श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी लाने सहित फसलों के क्षतिपूर्ति के दिए निर्देश। कैंट पुलिस ने एक अपहृत लड़के को किया सकुशल बरामद, लड़के को परिजनों को किया सपुर्द, परिजनों ने पुलिस का व्यक्त किया आभार, एसपीसीटी ने किया सनसनीखेज खुलासा। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई श्रम विभाग की समीक्षा बैठक, विभाग में संचालित कल्याणकारी योजनाओं पर की गई चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्त ने गोरखपुर मंडल के अधिकारियों के साथ त्वरित आर्थिक विकास योजना सहित अन्य निर्माण व विकास कार्यों की समीक्षा, आदर्श आचार संहिता लागू होने के पूर्व कार्यों को पूरा करने के दिए निर्देश। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिस कर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि, परेड ग्राउंड स्थित शहीद स्मृति स्थल पर एडीजी डीआईजी एसएसपी सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मियों को किया नमन, उनके परिजनों को किया सम्मानित। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न हुई अभियोजन समिति की बैठक, लंबित मुकदमों के निस्तारण के दिए निर्देश, कहा वादों का तेजी से करें निस्तारण जिससे लोगों को समय से मिल सके न्याय। स्वराज माजदा एजेंसी कृति इंटरप्राइजेस के कर्मचारी आदित्य सिंह ने ईमानदारी की पेश की मिसाल, एटीएम में पड़ा 5,000 रुपया बैंक मैनेजर को किया सुपुर्द। राजनीति विज्ञान विभाग के तत्वाधान में आयोजित इलेक्शन सलान इर्सिस्को विषय कार्यशाला के दूसरे दिन हैदराबाद के प्रोफेसर कर्नल मुकुल सक्सेना ने जनमत निर्माण, चुनावी प्रबंधन और रणनीति का दिया मूल मंत्र, कहा चुनावी प्रबंधन एक दिमागी कसरत और आंकड़ों की है बाजीगरी। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई युवा मोर्चा क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिए गए निर्देश, कहा अब की बार 350 पार। विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं ने फूंका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 236 केंद्रों पर 28,277 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। प्रथम डोज लेने वालों में 12,743 तथा दूसरी डोज लेने वालों में 15,534 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा समय पूरा होने पर अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और नाट्य दल द्वारा 23 से 25 अक्टूबर तक 3 दिवसीय नुक्कड़ नाटक के समारोह का किया जाएगा आयोजन। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का किया जाएगा काम।